नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, आप सबका परिवार भी सुरक्षित होगा और आप सब सरकार के दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होंगे। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, कोरोना के खिलाफ हमारी इस लड़ाई में पूरी पुलिस फोर्स डिपार्टमेंट पूरी डिपार्टमेंट जो है फोरफ्रंट पे है। उनकी हिम्मत और सेल्फलेस कमिटमेंट की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, फ्रंटलाइन वर्कर्स स्पेशली द पुलिस डिपार्टमेंट राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं ताकि हमारी लाइफ जो है स्मूथली उसे अनलॉक हो सके। इसलिए मैं बेहद जरूरी है कि उनकी हेल्थ सेफ गार्ड करना जो हमें सेफ गार्ड करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। आज मैं आप सबके साथ एक बेहद जरूरी बात शेयर करने चाहता हूं। चलिए पहले समझते हैं कि आखिर ये जो रिस्ट बैंड है जो मैंने पहन रखा है, ये रिस्ट बैंड है क्या, होता क्या है? इसे आप अपनी कलाई पर वॉच की तरह पहने तो ये आपकी हेल्थ मॉनिटर कर सकता है, जैसे कि आपकी हार्ट रेट क्या है, आप कितने घंटे सोए, दिन में कितने कदम चल रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर, और सबसे जरूरी जो इस वक्त जरूरी है, ये डिवाइस आपको आपका बॉडी टेम्परेचर भी हमेशा बताता रहता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या। अब ये सब चीजों से आप अपना ध्यान रख सकते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। इस सब चीजों से आपको पता चल सकता है। सोचिए, अगर ये डिवाइस जो है नासिक पुलिस के सारे 3,500 ऑफिसर्स के पास हो और इसका जो मेन कंट्रोल सिस्टम है वो हमारे कमिश्नर विश्वास साहब के पास हो, वो अपने पूरी फोर्स की हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं और समय पे एक्शन ले सकते हैं, दूसरे ऑफिसर्स में भी फैलने से रोक सकते हैं। इसे एक समझदार आदमी जैसे कहा है, इसे टाइम भी सेव होगा और लाइव्स भी सेव होंगी। तो जब मुझे इस डिवाइस के बारे में पता चला तो मैंने मेरे मित्र विश्वास साहब को बताया इसके बारे में। आप मानोगे नहीं कि आधे घंटे में उनका फिर फोन आता है, उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में और जानना है और इसके ओनर से मुझे बात करनी है। तो मैंने उनकी बात अपने विशाल साहब से कराई और विश्वास जी ने एक दिन में स्पॉन्सरशिप अरेंज किया और आज नासिक पुलिस फोर्स के सारे 3,500 ऑफिसर्स के हाथ में ये बैंड है। यानी कि पूरा का उनका उनके जो जितने भी लोग हैं, जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने भी पुलिस का फोर्स है, वो सब उनके ऊपर निगरानी, विश्वास साहब की निगरानी उनकी उनकी आंखों के सामने है, एक छोटे से कमरे के अंदर है। इनफैक्ट ये सिर्फ पुलिस के लिए नहीं, मेरे एक दोस्त है जो पायलट है। अब जैसे आप लोग सब जानते हैं कि एयरलाइन शुरू हो गई है, वो हफ्ते के करीबन 3-4 दिन बाहर रहता है बिकॉज उनका काम ऐसा है। तो उसने भी मुझे पूछा तो मैंने उसको बताया, तो उसने 5-6 ट्रैकर्स खरीदे अपने परिवार के लिए और उसने अपने माँ बाप को दिया, अपने बीवी को दिया, अपने बच्चों को दिया और उनकी हेल्थ, वो मतलब जहां भी फ्लाई कर रहा है, चाहे वो कहीं भी हो, दुबई हो, लंदन हो, चाहे कहीं भी हो, उसके बारे में वो पूरा ट्रैक रखता है कि मेरे 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 माता पिता ठीक है कि नहीं, और अपने घड़ी पे रखता है कि उनका टेम्परेचर ठीक चल रहा है कि नहीं, ब्लड प्रेशर कैसा है। मतलब दिस इज अ ग्रेट थिंग। हम इसको इसको कहते हैं सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। मुझे मालूम है आप लोग सब ये सोच रहे होंगे कि मैं गोकी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ इसलिए शायद ये सब कुछ बोल रहा हूँ, मगर ब्रांड्स तो मैं बहुत सारे एंडोर्स करता हूँ, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ वो सच में दिल से कह रहा हूँ, एज अ पर्सन हु केयर्स। आज जब लॉकडाउन खुल रहा है और लोग बाहर निकल रहे हैं, पुलिस फोर्स पर प्रेशर और बढ़ रहा है, तो मुझे उम्मीद है इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम वायरस के 2 कदम आगे रहेंगे हमेशा और टाइमली एक्शन ले सकेंगे, क्योंकि जान है तो जहां है, और ऐसे समय पे अपनी जान का, अपने परिवार की जान का, दूसरों की जान का ख्याल, खास ख्याल रखना बहुत बहुत जरूरी है। बस यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।